तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। उत्तर प्रदेश में आज हर जगह बड़े ही धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और बांदा की शालिनी पटेल अशोक लाट में धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए सभी भाइयों को राखी बांधी और मंडल कारागार बांदा में सभी गार्डों और जेलर को भी राखी बांधी। आज सावन मास की पूर्णिमा शुक्ल कृष्ण पक्ष को ये भाई बहन के प्यार बंधन है, जो एक कच्चे धागे से बंधा अटूट विश्वास का बंधन होता है, जो वक्त आने पर एक भाई बहन के लिए दुख मुसीबत में साथ देता है। आप लोगों को बताते चले कि इस धागे की कीमत बहुमूल्य होती है। बहनें बहुत उत्साहित रहती हैं और आज के दिन बिना खाए भाई को रोली चावल से तिलक कर भाई के कलाई में राखी बांधती हैं और बहन भाई को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराती है। इसके बदले में भाई बहन को कुछ न कुछ उपहार देकर बहन की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वही बांदा की पत्रकार एवं समाज सेवी शालिनी पटेल कल रात को जेल से बाहर आई और अशोक लाट तिराहे में धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए सभी भाइयों को राखी बांधी और मंडल कारागार बांदा में सभी पुलिस गार्डों और जेलर को राखी बांधी और समाज सेवी शालिनी पटेल पुनः अशोक लाट ग्राउंड में धरने पर बैठ गई। और इनका एक ही कहना है कि देश के तिरंगे और राष्ट्रीय गान का जितने अधिकारियों और बांदा के सांसद विधायकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और अधिकारियों को टर्मिनेट किया जाए, ताकि भविष्य में फिर कभी इस गलती को दोहराया न जाए। आइए सुने क्या कहा है पत्रकार शालिनी पटेल ने। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, ऑल इंडिया फतेहपुर जिला रिपोर्टर अनिल कुमार के सरवानी की कवरेज। मिलने की वजह से बहुत सारी बहनें जो है राखी नहीं बांध पा रही, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे दुख महसूस जरूर हो रहा है। कैसे उन्हीं के सामने झट से खोल गए। बुटीक लॉक कर दी। खाली नहीं होना चाहिए।